ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలను గ్రామ గ్రామానికి తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా తను ఎలా బూత్ లెవెల్ వరకు వచ్చానో 4 లక్షల మంది కార్యకర్తలు నిమగ్నం కావాలని సూచించారు రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందన్న ధీమా వ్యక్తం చేశారు అమిత్ షా భారత్ మాతా కి अरे जरा जोर से बोलिए मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए बोलेंगे जोर से तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की मेरे साथ नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के तिरटपल्ली गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रकार से विशिष्ट दिन है क्योंकि एक ही मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे बूथ के अध्यक्ष तो बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सारे लोग एक मंच पर उपस्थित हैं और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये जो तिरटपल्ली गांव है वो गांव कोई तीर्थ से कम नहीं है यही गांव है यही भूमि है जहां हमारे कर्मठ नेता मिसैया जी पार्टी का काम करते करते शहीद हुए थे आज उनकी भी मूर्ति का अनावरण यहां पर गांव के बीचों बीच करने का कार्यक्रम रखा है मित्रों मेरा 3 दिन का तेलंगाना का दौरा है वो दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना के तहत 3 दिन में तेलंगाना में रहने वाला हूं जैसे मैं 3 दिन तेलंगाना में 3 गांव में 3 बूथ में जाऊंगा ऐसे देश भर में लगभग 4 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समय काम करने के लिए 15 दिन 6 महीना 1 साल तक बूथ तक जाकर दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश और नरेंद्र मोदी सरकार के कामों की लिस्ट गांव वालों को हर मतदाता को पहुंचाने वाले हैं मित्रों आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और देश में 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना के माध्यम से अब ऐसे क्षेत्रों में भी पार्टी को हम बढ़ाना चाहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है तेलंगाना में जिस प्रकार से 2 साल से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है मुझे भरोसा है आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है मित्रों जिस प्रकार से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश के हर गरीब हर दलित हर आदिवासी किसान युवान महिला और गांव सबके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई है केंद्र में नलगोंडा बीजेपी जातीय अध्यक्ष अमित शाह पर्यटन तेलंगाणा बीजेपी कार्यकर्ता जोश निंपुतोंदे आत्मीय పలకరింపులతో అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నారు అమిత్ షా చుండూరు మండలం తెరేట్పల్లిలో బీజేపీ జెండా ఆవిష్కరించిన అమిత్ షా చేనేత కార్మికులతో కలిసి మగ్గం వేశారు స్థానిక పోలింగ్ బూత్ కమిటీలతోనూ సమావేశం నిర్వహించారు भैया कैमरा निकाल भैया वन पिक्चर सर चलिए।